हेलो फ्रेंड्स, हेलो डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज हम पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट लेके उसका पेपर कटिंग करेंगे। ये कितना साइज है उसको पहले मेजरमेंट करेंगे और बाद में इसका पेपर कटिंग करेंगे। अभी इसका लेंथ लिए हैं, इसका लेंथ है 13.5 लिखे हैं। अब इसका चेस्ट नापेंगे, इसका आर्म होल है जो इसके ऐसे जैसे मैं रखा हूँ ऐसे रख के इसका मेजरमेंट निकाल लेंगे। अभी इसका चेस्ट है, ये सामने में बंद किया है, हुक लगा है, ऐसे जैसे मैं रखा हूँ ऐसे रखा इसका चेस्ट निकालेंगे। चेस्ट है इसका आ रहा है 9 इंच, तो ये 36 इंच आ रहा है। और इसका कमर है, ये आ रहा है 14.2 इंच, तो ये 29 इंच टोटल आएगा इसका कमर। अभी इसका शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, इसका शोल्डर आ रहा है 11 इंच, तो 11 इंच ऐसे लिख लेंगे। अभी इसका स्लीव लेंगे, स्लीव इसका 5 इंच है, लेकिन इस ये मुझे 7 इंच करने के लिए बोले हैं, तो हम 7 इंच का पेपर कटिंग करेंगे। तो जो 7 इंच है, 7 इंच है यह मैं लिख रहे हूँ। और इसका स्लीव ये तो 5 इंच है, तो ये थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो 7 इंच आएगा तो इसका स्लीव राउंड 10 इंच आएगा। अब इसका फ्रंट डिप करेंगे, फ्रंट डिप इसका आ रहा है 6 इंच, तो 6 इंच लिख देंगे। अब इसका बैक डिप जो है, बैक डिप है इसका 8.5 इंच आ रहा है, तो 8.5 इंच लिख देंगे। अभी इसका आर्म होल ले लेंगे, आर्म होल इधर 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच हो गया। अभी ऐसे इसका पेपर में लिख देंगे, इसको रख के अभी हम पेपर में इसका निकालेंगे। जो ये तो डबल कटोरी है, डबल कटोरी के हिसाब से इसको हम निकालेंगे पेपर में काट के। पेपर को अच्छी तरह से ऐसे सेट कर रखना है जैसे मैं रखा हूँ ऐसे रखेंगे, और पहले बैक पार्ट का कटिंग करेंगे, उसको रख के फिर फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट निकालेंगे, बैक पार्ट के जो 13.5 फुल लेंथ है, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 14.5 इंच जहाँ आ रहा है ये एक्स्ट्रा 1 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 14.5 इंच आएगा। 14.5 इंच में निशान लगाएंगे। और इसका शोल्डर है 6.5 इंच, 11 का 5.5 हुआ, 5.5 इंच में निशान लगाएंगे। और नीचे अभी इसे सीधा लाइन कर देंगे, ये कमर के लिए नीचे का, और ऊपर से आर्म होल 6 इंच लेंगे। ये 36 है, तो 6 इंच में ठीक परफेक्ट आ जाएगा। इधर से भी 5.5 करके ऊपर से ऐसे लाइन कर देंगे आर्म होल के लिए, और ये चेस्ट के लिए ऐसे लाइन कर देंगे। अभी चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे, चेस्ट है इसका 36, तो 36 का 1/4 लेंगे, 9 इंच जहाँ रहा है 9 इंच मैंने से लगाएंगे, और एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे सीम अलाउंस के लिए 2 इंच। जब कपड़े में कटेंगे तो इसको डबल फोल्ड करके कटना है, जो बंद भाग है अपने साइड रख कर कटना है। अब इसका कमर है 29 इंच, तो उसका 1/4 लेंगे और एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे, और प्लीट के लिए 1 इंच। अभी जो चेस्ट ऊपर से लिए हैं उसको सभी निशान को मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा का नीचे का जो एक्स्ट्रा लिए थे चेस्ट से कमर तक मिला देंगे। और ये फिटिंग लाइन जो आ रहा है ऊपर से 2 इंच, और कमर में भी जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं ऐसे इसको मिला देंगे। अब इसका आर्म होल निकालेंगे, आर्म होल में 1.5 इंच इधर से निशान लगाएंगे और इसको शेप दे देंगे इस आर्म होल का। अभी बैक डिप जो आता है नेक के लिए, नेक डिप के लिए 2.2 इंच में निशान लगाएंगे, 2.2 इंच दिए, और नीचे 8.5 इंच जहाँ आ रहा है
8.5 इंच में निशान लगाएंगे और नीचे से 2.5 इंच में ऐसे निशान लगाकर ऊपर से 2.2 नीचे 2.5 इंच इसको ऊपर से नीचे मिला देंगे। ये तो पेपर है, जब कपड़े में काटेंगे तो उसको काट कर निकाल देंगे। अभी ऐसे खाली शेप दे रहे हैं। अभी प्लीट के लिए 3.5 इंच और ऊपर से 4.5 इंच मैं ये प्लीट 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिए हैं कमर में ये प्लीट में चला जाएगा। अभी इसको काट कर बैक पार्ट का निकाल देंगे। ये हो गया अभी बैक पार्ट। अभी फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए जो बैक पार्ट है इसको रखना है, लेकिन बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 13.5 है तो 14.5 15 इंच लेंगे इसका लंबाई में। और शोल्डर जितना है ऐसा इतना ही लेना है, उसका चेस्ट जितना ले हैं उतना ही लेना है, खाली नीचे का जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये 15 इंच में निशान लगा के सीधे लाइन कर देंगे। जहाँ रहे ऐसे सीधा लाइन कर देंगे ये कमर के लिए नीचे का। शोल्डर है 5.5 इंच, 11.5 5.5 और नीचे 6 इंच जहाँ आ रहा है 6 इंच में निशान लगाएंगे और नीचे 5.5 होगा। ऊपर से इसे आर्म होल के लिए लाइन कर देंगे और ये चेस्ट के लिए भी ऐसे लाइन कर देंगे। अभी चेस्ट 9 इंच में निशान लगाएंगे। ये चेस्ट का 1/4 है और एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेंगे और नीचे जो 29 है 29 का 1/4 लेंगे और एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे और ऊपर से नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। ये फिटिंग पॉइंट में भी मिला देंगे। अभी 1/2 इंच एक्स्ट्रा अंदर में लेके उसको जो पिछले हिस्सा का 1.5 इंच लिए थे सामने में 1 इंच में ऐसे आर्म होल का सिर दे देंगे। अभी जो नेक डिप के लिए इधर से 2.5 इंच और नीचे 6 इंच लेंगे और 2.5 इंच इधर से, ये 2.5 इंच हुआ, ऊपर से भी 2.5 इंच लेके ऐसे मिला देंगे और गोलाई का ऐसे सिर दे देंगे। अभी इधर से 4 इंच में योग पट्टी के लिए निशान लगाएंगे, योग पट्टी या बेल्ट इधर से 1.5 इंच, पीछे से 3 इंच जहाँ आ रहा है उधर से देंगे और जो 4 इंच दिए थे 1/2 इंच नीचे करके एक सीधे लाइन कर देंगे और ऊपर से जो 1/2 इंच थोड़ा सा ऊपर से करके ऐसे नाव जैसा शेप दे देंगे। ये योग पट्टी या बेल्ट जो कहते हैं वो निकल आया। अभी इधर से 4.5 जहाँ हो रहा है 4.5 इंच में एक निशान लगाएंगे, ये कटोरी निकलेगा। ऊपर से बीचों बीच जो शोल्डर है उसका बीच में से 8.5 इंच में एक पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा टक्स पॉइंट आएगा उसे 8.5 और इधर से 2.5 इंच में एक पॉइंट लगाएंगे और इधर से 5 इंच एक पॉइंट लगाएंगे। और जो 5 इंच और इधर से 2.5 इंच जो लिए हैं और नीचे से जो 4.5 इंच ये तीनों पॉइंट को ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देंगे और नीचे से जो 1.5 इंच लिए हैं ये 1.5 इंच है, ये 1.5 इंच और इधर से जो 8.5 इंच लिए थे वो तीनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ऐसे कप जैसा शेप दे देंगे और बीच सब पार्ट का जो पॉइंट निशान लगाए हैं सब ऐसे निकल कर निकल देंगे। अभी ये जो बीच का कटोरी का 2 पार्ट किए थे इसको इधर से 1 इंच इधर से 1/2 इंच इधर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, 1/2 इंच जो लिए हैं इसको 1/2 इंच का नीचे जो 1 इंच है इधर से इधर इसे मिला देंगे थोड़ा सा शेप देके।
और नीचे डेढ़ इंच जो लिए थे वो डेढ़ इंच को इधर से ऐसे मिला देंगे और ये काट के निकाल देंगे। ये एक जो कटोरी का एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट को भी ऐसे निकाल देंगे। सर थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा चारों तरफ हाफ हाफ इंच लेके और सामने में दो इंच लेके इसका पार्ट निकालेंगे। वो थोड़ा कट गया है, अभी इसका स्लीव निकाल लेंगे। स्लीव के लिए चौड़ाई में जो चेस्ट का 1/4 लेते हैं 36, तो 9 इंच चौड़ाई में लेंगे और लेंथ का जो 7 इंच लेंथ स्लीव लेंथ लिए थे 7 इंच प्लस 1 एक्स्ट्रा 8 इंच जो पेपर है ये 8 इंच लेंगे और ये चौड़ाई में 9 इंच लेंगे और ये 5 इंच है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इधर से 3.5 इंच में नीचे उसको स्लिप का सेप निकालने के लिए करेंगे। ये 2 इंच इधर से, ये 2 इंच इधर से देख के ऐसे उसका स्लिप का सेप दे देंगे। ये स्लिप हो गया ऊपर से और जो मोहरी का निशान है एक्स्ट्रा 2 इंच है इसको ऐसे काट देंगे। अब ये स्लिप हो गया, जो पेपर में कटेंगे तो फोल्डेड साइड का अंदर में रहेगा, जो खुला साइड जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे ही कटना है। और जो फ्रंट पार्ट है इधर से हाफ इंच में से ऐसे दे रही हूँ, ऐसे हाफ इंच से थोड़ा दे देने से अच्छे से फिटिंग आता है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक, ये फ्रंट और ये बैक। अभी सभी पेपर कटिंग सबका हो गया। अब इसको ऐसे ही रख के थैंक यू।